हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर यूट्यूबल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब आपका स्वागत है सो इन विल स्टडी इन अबाउट द एंजाइम एम सो लो एम जो एंजाइम है उसके अलग अलग टाइप्स उसका बेजिक डिटेल ओके देन द प्रोडक्शन ऑफ दिस एंजाइम एम उसके यूजेज एंड एप्लीकेशन के बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे एज अ पार्ट ऑफ मेथड ऑफ द वेरियस एंजाइम प्रोडक्शन की जो अलग अलग मेथड्स है एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने की तो उसके अंदर आज का जो हमारा मेन एंजाइम है वो है एम आई सो एम आई के बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे एज अ पार्ट ऑफ अवर लेक्चर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर के अंदर सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज फॉर दैट Subscribe our channel Pharma and press on the bell icon and never miss any video of Pharma Rocks. Also use our app Pharma where you will find the study materials which is available proper topic wise, as well as you will get the PDF and the PPTs of our lecture. So you will also get the rapid revision notes in affordable price, which are useful for the all the examination. So get this facility on our app FarmerOx Android application on Google Play. So you will also find out the online test series which is contained the 365 premium test in 365 days. All the tests are topic wise and unlimited attempts of each and every test, solution of MCQ and explanation of MCQ is available.

सो दिस फैसिलिटी अवेलेबल है ओनली ऑन अवर एफ फार्मारोक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले सो हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एंजाइम्स के तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉट इज एंजाइम तो एंजाइम क्या है तो एंजाइम सारे मैक्रोमोलिक्युलर मैक्रोमोलिकुलर बायोलॉजिकल तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ए एंजाइम तो मैक्रोमोलिकुलर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हो गए कि जो अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शन से या फिर कोई केमिकल रिएक्शन से कि उसको एक्सेलरेट करते हैं एंड ऑल्सो दे कैटालाइज दैट पर्टिकुलर रिएक्शंस तो एंजाइम के पास क्या होती है अपनी एक एक्टिव साइट होती है प्लस वो साइट पर ये सब्सट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाते हैं बाइंड हो जाता है तो ये एक प्रकार की हो गई बाइंडिंग साइट भी ओके वी कैन ऑल्सो कॉल इट ए बाइंडिंग साइट तो यहाँ पे क्या होता है ये जो एंजाइम्स है कोई भी एंजाइम तो वहां पे उसकी जो सबस्ट्रेक है मतलब की दूसरे वर्ड्स में हम कहे तो स्टार्टिंग मटेरियल ओके दूसरे वर्ड्स में हम कहे तो जो स्टार्टिंग मटेरियल है और साथ में एंजाइम यहाँ पे समझो कि रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है तो फिर हमें देता है एंड प्रोडक्ट स्टार्टिंग मटेरियल में से एंड प्रोडक्ट ओके और ये ये जो जो रिएक्शंस का रेट है वो करने में एंजाइम्स हेल्प करते तो जो अलग अलग एंजाइम्स के बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं तो एंजाइम्स जो है वो बने हैं किसके प्रोटीन्स के बने हुए हैं एंड इन बायोलॉजिकल लिविंग सिस्टम दे आर नेसेसरी टू एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शंस की कोई भी हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग रिएक्शंस होती है तो उनके जो रेट ऑफ इंक्रीज करने के लिए ये biological living system के अंदर काफी है उनका so बराबर। आगे पढ़ते हैं एम के बारे में कि जो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि वॉट इज एम तो एम इज एन एंजाइम दैट कैटेज दाइड्रोलाइस इन टू द सुगर्स तो जब भी हमें कोई सुगर्स का हाइड्रोलिसिस करना है ओके सुगर तो ओ, स्टार्च का समझो कि हाइड्रोलिसिस करके हमें सुगर्स बनानी है लास्ट में ओके कि हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल जो है ओके हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है स्टार्च और स्टार्च कन्वर्ट होगा सिंपल uh, सुगर्स के अंदर समझो कि ग्लूकोज के अंदर लास्ट में हमें मिलता है तो उसके अंदर जो एम एंजाइम से उनका काफी बहुत बड़ा रोल होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ़ स्टार्च ओके उसका हाइड्रोलिस भी कर कह सकते हैं और दूसरे वर्ड के अंदर डाइजेशन uh, के लिए भी एक टाइप के काफी इंपॉर्टेंट है कि वन टाइप ऑफ दिस इज ए डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ ए ह्यूमन के हमारे सलाइवा के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं सो हाइड्रोलिस ऑफ स्टार्च विथ एमाइलिस विल फर्स्ट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉर्ट पॉलीमर डेक्सट्रीन कि जब हाइड्रोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है स्टार्च की तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है डेक्सट्रीन और डेक्सट्रीन का फर्दर डायसेकेराइट के अंदर लाइक माल्टोज like बनता है और माल्टोज में से फाइनली हमें मिलेगा ग्लूकोज के समझो कि हम कोई प्रोसेस फ्लो की तरह उसको देखें तो सबसे पहले हमारे पास है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्टार्च स्टार्च जो है वो कन्वर्ट होगा डेक्सट्रीन के अंदर ओके डेक्सट्रीन में से हमें मिलता है फिर माल्टोस एंड माल्टोस फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा फिर ग्लूकोज के अंदर ओके तो इस तरह से प्रॉपर जो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होती है इसके अंदर ये हेल्प करते हैं कि स्टार्च की जो एक काफी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कह सकते हैं हम ओके उसमें से लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट मिली वो मिल गई सिंपल सुगर ओके सबसे सिंपल सुगर की जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज वो हमें लास्ट में मिल जाती है सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम एम आगे पढ़ते हैं उससे पहले हम ये annotations को erase कर लेते हैं सो so, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है है वो है कि कन्वर्जन ऑफ टू फ्रुक्टोज बाय द एंजाइम ग्लूकोज आइसोमरेज ओके अब जो हमारा ग्लूकोज बना है वो भी फर्दर फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कि जो उसका आइसोमर है और उसके लिए जरूरी है एंजाइम ग्लूकोज आइसोमरेज ओके फिर एक पॉइंट आपका काफी सीखने का इम्पोर्टेंट है वो हम आगे लेक्चर में देखते हैं कि जितने भी अलग अलग एंजाइम्स हैं ओके कि ये है तो हमने देखा कि स्टार्च लास्ट में सिंपल मोलिक्यूल ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है उसके लिए जो एंजाइम है वो है आई ओके okay? तो क्या लिखा जाता है इस तरह से एम बराबर एम लिखा जाता है फिर Uh, समझो कि प्रोटीन का कन्वर्जन होता है अमीनो एसिड के लिए तो वहां पे जो एंजाइम है वो है प्रोटीएज एंजाइम कौन सा एंजाइम है प्रोटीएज एंजाइम तो जितने भी एंजाइम से उसके पीछे ए एस ई लिखा जाता है ओके ए एस ई यहां पे देख सकते हैं एमिलस के पीछे भी आप देख सकते हो ए एस ई आल्सो द बिहाइंड द प्रोटीएज फिर आइसोमेरेज एंजाइम की जो उसके पीछे भी ए एस सी लिखा जाता है तो जितने भी एंजाइम्स है जो भी केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके पीछे एज लिखा जाता है कि जो एंजाइम्स तो प्रोटीन में से अमाइनो एसिड कन्वर्ट करते हैं तो वो गए प्रोटीएस एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज तो उसके लिए एमाइलेज। सो वॉट इज द रोल ऑफ दिस एमाइलेज तो एम आईल एज दैट कैटलाइज द हाइड्रोलिस ऑफ स्टार्च ओके एंड

Which is a starch, जब हाइड्रोलिस करते हैं तो उसके लिए जो जरूरी एंजाइम है वो है एम आईज इज प्रेजेंट इन द सलाइव ऑफ ह्यूमन एंड सम अदर मम्मल्स वेर इट बिगिन प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन की वहां पे वो डाइजेशंस की केमिकल प्रोसेस को स्टार्ट करता है सो so यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टार्च है ओके okay? फिर अल्फा एमाइलेज है तो उसको माल्टोस के अंदर कन्वर्ट करता है तो माल्टोस क्या है तो माल्टोस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल के दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जॉइन होते हैं तो माल्टोस बनाते हैं और माल्टोस का फर्दर अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम से दो अलग अलग सेपरेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर उसका सेपरेशन होता है और वो जो ग्लूकोज है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर होते हैं या फिर फर्दर अलग अलग प्रोसेस करके जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते कि अलग अलग जो साइकल्स होते हैं उसके अंदर वो यूटिलाइज होके लास्ट में एनर्जी या फिर एटीपी प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते कि जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है सो so, जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो उसके अंदर जो डाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है तो डाइजेशन के लिए ये जो एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है ओके okay, और अच्छे से हमारे फूड को भी डाइजेस्ट करवाते हैं एंड उनमें से लास्ट में जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस के लिए काफी जरूरी है सो दिस इज द रोल ऑफ एमाइलेज अब जान लेते हैं उसके तीन टाइप्स तो तीन टाइप के एमाइलेज एंजाइम है पहला है अल्फा एमाइलेज दूसरा है बीटा एंड थर्ड इज द गैमा एमाइलेज़ ओके इस तरह से आपको याद रखना है कि फर्स्ट अल्फा एमाइलेज़ सेकंड बीटा एमाइलेज़ एंड थर्ड इज़ द गैमा एमाइलेज़ ओके अब आगे बढ़ते हैं डिटेल में सभी के बारे में कि अल्फा एमाइलेज़ आईल एज ऑल्सो कॉल इज ए वन फॉर वन फॉर अल्फा डी ग्लुकेन ग्लूकेनोहाइड्रोलेज ओके ये उसका फुल फॉर्म है तो यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकल सकता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है कि अल्फा एमाइलेज इज केमिकली कॉल्ड ओके केमिकली अल्फा एमाइलेज इज ए विच वन तो इट इज ए वन फॉर अल्फा डी ग्लूकेन ग्लूकेनो कैल्शियम कैल्सियम मेटालो एंजाइम विच कैन नॉट फंक्शन इन एब्जेंस ऑफ कैल्सियम आयन ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पिन पॉइंट है आपके लिए ओके दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पिन पॉइंट की कैल्शियम मेटालो एंजाइम है कि विच कैन नॉट फंक्शन इन एब्सेंस ऑफ कैल्शियम आयन मींस फॉर इट्स फंक्शन उसके फंक्शन के लिए किसका प्रेजेंस होना जरूरी है तो जरूरी है कैल्सियम आयन का कि Ca+2 जो हम कहते हैं कैल्सियम आयंस उनका प्रेजेंस जरूरी है फॉर द फंक्शन ऑफ द अल्फा एमाइलेज ब्रेक डाउन द लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट चेन्स ऑफ़ एमाइलोज एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन की जो लॉन्ग चेन्स होती है कार्बोहाइड्रेट की उनको ब्रेक डाउन करता है एंड एमाइलोज का ब्रेक डाउन करके क्या देता है हमें माल्टो ट्रायोस एंड माल्टोज मॉलिक्यूल देते हैं ओके एमाइलोज जो है आपके पास ओके okay, तो एमाइलोज में से हमें क्या मिलेगा कि माल्टो ट्रायोज मिलेगा प्लस माल्टोस ओके okay, ये दोनों डेवलप हो गए बाय द अल्फा एमाइलोज एक और है कि जो एमाइलोपेक्टिन है उसको ब्रेक डाउन करके हमें देता है रिडेक्सट्रीन एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ओके okay, कि हियर वी हैव एमाइलोपेक्टिन ओके okay, ये है हमारे पास अब अल्फा एम एमाइलेज ओके तो वो क्या कन्वर्ट करके देगा हमें उसको डेक्सट्रीन के अंदर प्लस डेक्सट्रीन प्लस होगा ग्लूकोस डेक्सट्रीन प्लस हो जाएगा ग्लूकोस तो ये है मेन इंपोर्टेंस ऑफ ए अल्फा एमलिस अल्फा एम आगे जानते हैं उसके बारे में और डिटेल की कहां पे वो प्रेजेंट है। तो ये वाला जो एंजाइम है हमारे बॉडी के अंदर स्पेशली सलाइवा के अंदर स्पेशली सलाइवा के अंदर और पैंक्रियास के अंदर वो प्रेजेंट है इट इज आल्सो फाउंड इन प्लांट्स फंगाई फंगाई में स्पेशली एस्कोमाइसेट्स एंड बैसिडायोमाइसिट्स एंड बैक्टीरिया की जो बेसिलस टाइप के जो हम बैक्टीरिया कहते हैं उनके अंदर वो प्रेजेंट है बिकॉज़ इट कैन एक्ट एनीवेयर ऑन द सबस्ट्रेट अल्फा एमाइलेज टेंड्स टू बी फास्टर एक्टिंग देन बीटा एमाइलेज ये पॉइंट जो है आपके लिए समझो कि मोस्ट आईएमपी पॉइंट है ओके okay, बिकॉज़ ये पॉइंट में से जब पीक्यूआरएस पैटर्न के समझो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये पॉइंट इंक्लूड किया जा सकता है कि अल्फा एमाइलेज इज फास्टर एक्टिंग देन बीटा एमाइलेज उसका रीजन क्या है कि इट कैन एक्ट द एनीवेयर ऑन द सबस्ट्रेट कि हम इस तरह से देखते हैं कि ये कोई सबस्ट्रेट है ओके तो उसके लिए एंजाइम की प्रॉपर बाइंडिंग साइट होती है ओके बाइंडिंग साइट बट जो अल्फा एमाइलेज है वो समझो कि यहां पे भी बाइंड हो सकता है यहाँ पे भी बाइंड हो सकता है कोई भी साइड पे वो सबस्ट्रैक्ट ये हमारा समझो कि सबस्ट्रैक्ट है ओके और ये है अल्फा एम तो अल्फा एम जो है वो कोई भी साइड पे जो है वो बाइंड हो जाएगा जिसके कारण उसकी एक्शन जो है वो फास्टर है कंपेयर टू द बीटा एम तो ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपको अच्छे से याद रखना है रिगार्डिंग द अल्फा एम आईल के यहाँ से एम सी क्यू खास पूछा जाएगा आगे जानते हैं कि इन एनिमल्स इट इज ए मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इट्स ऑप्टिमम पी एच एस सिक्स पॉइंट सेवन टू सेवन ओके की यहाँ से भी एम सी क्यू पूछा जाएगा कि वॉट इज द ऑप्टिमम पी एच ऑफ ए अल्फा एम आईलिस तो वो आपको याद रखनी है सिक्स पॉइंट सेवन से लेकर सेवन पॉइंट जीरो के बीच में उसकी रहेगी कि जो स्पेशली हमारी जो होती है सलाइवा की पीएच जो हम कहते हैं उसके नजदीक क्लोजर है ये सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अल्फा एमाइल तो वो क्या करते हैं कि स्टार्च को लिक्विफाइंग करवाते हैं ब्रेक डाउन द स्टार्च पॉलीमर बट डज नॉट गिव ए फ्री शुगर ओके फिर सेकेंडरी उसकी जो इफेक्ट है ऑन सैकेरोजेनिक इफेक्ट गिव ए फ्री शुगर तो दो अलग अलग तरीका से वो एक्ट करता है नेक्स्ट है वो है बीटा एमआई बीटा एमएल केमिकली क्या है वन फॉर आल्फा ग्लूकेन ये आपके लिए फिर से आल... बीटा एम इज केमिकली बीटा एम केमिकली वन फॉर अल्फा डी ग्लूकेन माल्टोहाइड्रोलिस ओके यहाँ पे देख सकते कि बीटा एमआईज हमारे पास एंजाइम है तो अल्फा डी ग्लूकोजो है उसको वो क्या इसमें कन्वर्ट कर रहा है माल्टोस के अंदर इसके लिए उसके जो केमिकल में आप देख सकते हैं माल्टो हाइड्रोलिज माल्टो हाइड्रोलिज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया फंगाई एंड प्लांट्स वर्किंग फ्रॉम नॉन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड बीटा एम एल एस कैटलाइजिंग द हाइड्रोलिस ऑफ द सेकंड ल्फा वन फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड क्लीविंग ऑफ टू ग्लुकोज दो यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर दॉली आल्फा डी ग्लूकोज ओके और उसको क्लिविंग करके माल्टोज uh, में वो कन्वर्ट होते हैं ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट बीटा एम एल एस ब्रेक स्टार्च इंटू माल्टोस ये आपके लिए बोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जब कोई फ्रूट वगैरह को हम आ, उसका राइपनिंग होता है वो फ्रूट अच्छे से पक जाते हैं तो राइपनिंग का जो फ्रूट होता है उसके अंदर जो स्टार्च होता है ओके वो कन्वर्ट होता है माल्टोस के अंदर ओके स्टार्च कन्वर्टेड इंटू दफी इंपोर्टेंट पॉइंट है उसके लिए रिगार्डिंग द बीटाइमेलोस एंड फिर उसको याद रखनी है आपको अच्छे से पीएच ओके वॉट इज दी एच ऑफ दिस एंजाइम तो नेक्स्ट इज घेमा एम आल्सो ऑल्सो टर्म एज ए ग्लूकेन ग्लूकेन वन फॉर आल्फा ग्लूकोसिडेस तो अल्फा बीटा और उसके बाद ये थर्ड गैमा जो क्या है उसको भी आपको याद रखने के बीटा आ, अरे सॉरी गेमा एमाइलेज केमिकली ये ग्लूकेन वन फॉर अल्फा ग्लूकोसिडेज क्लीव्स अल्फा वन सिक्स ग्लाइकोसिडिस लिंकेज एज वेल एज द लास्ट वन फॉर ग्लाइकोसिलेज लिंकेज एट द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलो एंड यील्डिंग द ग्लूकोज ये, ये क्या करेगा हमें लास्ट में ग्लूकोज यील्ड करके देता है एंड गज ए मोस्ट एसिडिक मोस्ट एक्टिव एट अबाउट द पीएच 3. तो ये पीएच 3 के आसपास जो है वो काफी एक्टिव है ये आपको याद रखना है अब इसमें समझो कि कंपैरिजन पूछा जाए तीनों का ओके एम आई की जो तीनों टाइप से, उनका समझो कि एग्जाम के अंदर कंपैरिजन पूछा जाता है तो आपको ये कंपैरिजन अच्छे से लिखना है कि हियर इज द फर्स्ट अल्फा एम ओके okay. तो तीनों के केमिकल नेम एमाइलेज तो वन फॉर अल्फा डी ग्लुकेन ग्लुकेनोहाइड्रोलेज है बीटा एम तो एस फॉर अल्फा डी ग्लुकेन माल्टोहाइड्रोलेज है एंड जो ग्यामा एम है वो है ग्लूकेन वन फॉर अल्फा ग्लूकोसिडेस तो तीनों का कंपेरिजन लिए सबसे पहले केमिकल नेम आप याद रख लो उसके बाद उसका जो मेन फंक्शन है कि ये क्या करता है एमाइलोस एंड एमाइलोपेक्टिन को ब्रेक करता है ये करेगा स्टार्च को माल्टोज में एंड दिस इज आल्सो ब्रेक डाउन द एंड एमाइलोपेक्टिन टू ग्लूकोज फिर कौन सी पीएच पे ये एक्टिवेट रहते हैं सबसे ज्यादा तो अल्फा एमाइलेस 6.7 से 7 के बीच में एक्टिवेट रहता है बीटा एमाइलेस बिटवीन फोर टू फाइव पी एंड गैमा एमाइलेस बिटवीन द पीएच थ्री ओके थ्री पीएच पे काफी मतलब एसिडिक पी पे वो एक्टिवेट रहते हैं फिर उनके जो लोकेशन है कि कहाँ पे वो स्पेशली लोकेटेड है तो अल्फा एमएलएस बेसिक पीएच वाला जो खास एरिया कह सकते सॉरी न्यूट्रल एरिया के आसपास कि जो हमारी सलाइवा के पीएच है जिसके कारण सलाइवा और पैंक्रियाज में है फिर बीटा एमएलएस जो है वो है सलाइवा और पैंक्रियाज दोनों में पाए जाएंगे और जो गैमा एमएलएस है कि जो पीएच 3 में एक्टिवेट है जिसके कारण वो प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियास के अंदर सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा amylase अब जो है वो स्ट्रेन प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गनिज्म की जब आप हम माइक्रोबियल एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे और माइक्रोबियल एमाइलेज हमें डेवलप करना है इन्हें लेबोरेटरी तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें स्ट्रेन की ओके okay, स्ट्रेन को मतलब कि जो भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए ओके okay, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें चाहिए कि जिसमें से हम एंजाइम को एक्सक्रेट करेंगे तो उसके लिए जो मेन बेसिलस स्पीसी को हम यूज करते हैं कि बेसिलिस की जो अलग अलग बैक्टीरिया है कि बेसिलस सेरियस है बेसिलस सप्टलिस बेसिलिस अमाइलो लिक्विफेसियस बेसिलस पॉलिमिक्सा, बॉसिलस लिचे वगैरह। तो जो बेसिलस बैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं वो जान लेते तो बेसिलसपेज आर रोड सेप बैक्टीरिया है कैसे है रोड सेप की आप देख सकते हो ये वाला जो है कि एक टाइप का जो रोड होता है ओके जो समझो कि आपको एक ग्लास दे, देखते हो ओके ग्लास रोड तो ग्लासरोप uh, में रोड सेप बैक्टीरिया है एरोबिक एंड फैकल्टेटिव के प्रेजेंस में दोनों तरीके से ये हो सकते bacteria, जिसके कारण यहाँ पे आप देख सकते हो उनका जो स्टेन पर्पल कलर के बैक्टीरिया में दिख रहे हैं इन्हें ग्राम स्टेनिंग इन सम्पीसी कल्चर में टर्म ग्राम नेगेटिव विथ एज की जैसे जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम की एज बढ़ती जाती है ओके दे मे ऑल्सो टर्न इन एवरी नेचुरल एनवाइमेंट ओके जो बेसिल जो बैक्टीरिया है ओके okay, इस टाइप के आप देख सकते कि रोड से बैक्टीरिया हर जगह के आपको इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं बिकॉज नेचुरल एनवायरमेंट के अंदर उस, उनकी जो ग्रोथ है वो काफी होती है फास्टर तो ये हो गया बैक्टीरिया बैक्टीरिया के अलावा भी हम अलग अलग फंगाई को यूज करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फंगाई तो ओरिज़े काफी फेमस है एंड नाइजर वो दोनों जो स्पीसीज है फंगाई की आर द स्ट्रेन प्रोड्यूसिंग माइक्रोनिज्म फॉर द अल्फा बीटा और गैमा तीनों टाइप के एम जो है उसको हम एक्सक्रिएट कर सकते हैं देन पेनिसिलियम सेफालोस्पोरिन म्यूकर एंड कैंडिडा अल्बिकेंस ओके तो कैंडिडा की अलग अलग स्पीसी म्यूकर बट सबसे वाइडली ये दो है वो सबसे ज्यादा फेमस है एंड वाइडली यूज ओके ये जो सीक्वेंस है वो है कि सब फर्स्ट चॉइस रहती है आपकी ओरिजे नाइजर उसके बाद ये अलग अलग फिफ्थ एंड सिक्स चॉइस पे आएंगे बराबर आगे है अब उसके प्रोसेस किस तरह से आप प्रोड्यूस करेंगे तो समझो किस तरह से मैंने माइक्रो ऑर्गेजम को कर लिया है आइसोलेट या फिर उनको सेपरेट कर लिया है अच्छे से टू डेवलप द स्ट्रेन कि मुझे जो स्ट्रेन डेवलप करना है उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैंने आइसोलेट कर ली है फिर कैन मोलिक्यूल स्वीट ब्रांड राइस ब्रांड वगैरह एज अ कल्चर मीडिया के अंदर हम मिक्स करेंगे कि जिसके अंदर उनको हम क्या प्रोवाइड कर सके अच्छे से न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोथ अब प्रॉपर स्क्रीनिंग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द प्रोसेस फर्मेंटेशन या फिर uh, हम वो नॉर्मल uh, कल्चर वाली टेक्निक यूज करेंगे ओके okay? इनोक्युम uh, से हम जो करते हैं वो पैट्रेडिस के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेजम ग्रो करवाते हैं वो टेक्निक भी यूज कर सकते हैं देन प्रॉपर सप्लीमेंटेशन एंड लास्ट में जो हमारा एंजाइम है वो डेवलप हो जाएगा तो प्रोसेस फ्लो को हम जो एंजाइम प्रोडक्शन की टेक्निक से समझते हैं कि सबसे पहले समझो कि मैंने बेसिलस के कोई भी स्पीसीज को आइसोलेट कर लिया है और ये वाली जो टेस्ट्यूब के अंदर सब बेसिलस के स्पीसी है अब हम उनके ग्रोथ के लिए सुटेबल कल्चर मीडिया डेवलप कर लेंगे कि जिसके अंदर ये बेसिलस वाले स्पेसीज अच्छे से अपना ग्रोथ कर सके नेक्स्ट क्या करते हैं अब हम इनोकुलम करेंगे कि जो इनोक्यूलेटिंग जो लूप है ओके okay, उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा और इसके अंदर जो अगार है अगर जली वो अच्छे से क्या कर देंगे हम स्प्रेड करेंगे और उसको सॉलिडिफाई होने देंगे एंड देन इनोक्यूलोक्लोम से हम यहाँ पे अलग अलग स्पॉट पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम कर लेंगे इनोक्यूलम तो इनोक्यूलम तैयार होने के बाद उसको फर्दर इंक्यूबेटर के अंदर हम इंक्यूबेशन होने के लिए रख देंगे प्रॉपर सेट कर देंगे उसका टेम्परेचर टाइम ओके दोनों अच्छे से, से सेट करके इंक्यूबेटर के अंदर हम उसको रख देंगे कि अच्छे से प्रॉपर टेम्परेचर एंड प्रॉपर टाइम पीरियड के लिए वो अच्छे से हो जाएगा इंक्यूबेट फिर हमारे अच्छे से हो जाएगी ग्रोथ ग्रोथ हो जाएगी, ओके? तो ग्रोथ होने के बाद उनको हम कर लेंगे अच्छे से सेपरेट उनमें से कर लेंगे हमारा एंजाइम का एक्सट्रेक्शन हो जाएगा उसके बाद प्यूरिफिकेशन करना जरूरी है एंजाइम का स्टरिलाईजेशन स्टोरेज और लास्ट में उसको हम अच्छे से कर लेंगे सप्लाई तो इस तरह से पेट्रेडिस वाली टेक्निक की जो इंक्यूबेटर यूज करते हैं वो कि जो स्पेशली कौन सा मीडिया हम यूज करते हैं सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया ओके सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया वाले टेक्निक से ये हो सकता है ये है टेक्निक वन सेकंड हम अल्फा एम बना सकते हैं बाय यूजिंग द सबमर्स किसके अंदर समझो कि मैं कोई फंगाई की स्पीसीज ले देता हूँ एसपार वाली उसके लिए कल्चर मीडिया या फिर फॉर्मेंटेशन के लिए जो हम यूज करेंगे फर्मेंटेशन मीडिया फिर आ, मैं रेडी रखूंगा फर्मेंटर ओके और एडिशन ऑफ सेल कल्चर एंड कल्चर मीडिया ए फॉर्मेंटर ये दोनों का मिक्सचर ओके उसको हमने यहाँ पे ये यह फॉर्मेंटर के अंदर एड कर दिया है फिर यहाँ पे देख सकते हो कि फर्मेंटर की कंप्यूटराइज सिस्टम है पैडल से कि जो अच्छे से प्रोवाइड करेंगे एजिटेशन उसके बाद गैस आउटलेट माइक्रोब्स एयर एंड न्यूट्रिशंस इन न्यूट्रीशन यहाँ पे न्यूट्रिशंस वगैरह इन कर सकते हो हीटिंग एंड कूलिंग वाटर इन एंड आउट की जब समझो कि हमें हीटिंग की जरूरत है और कूलिंग की जरूरत है उस तरह से इन एंड आउट दोनों है यहाँ पे कंट्रोलिंग प्रॉप्स की जो कॉम्प्यूटर सिस्टम के साथ अटैच है और जब भी प्रोडक्ट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फर्मेंटेशन तो नीचे से ये नॉब ओपन करके ओके okay, आप प्रोडक्ट को जो है वो रिकवर कर सकते हैं ओके okay, यहाँ से हो जाएगी प्रोडक्ट की अच्छे से रिकवरी सो so, जैसे प्रोडक्ट रिकवर हो जाती है अच्छे से उसको सेपरेट कर लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेम लाइक दैट देर इज एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्यूरिफिकेशन स्टरिलाइजेशन एंड स्टोरेज एंड सप्लाई तो ये हो गई टेक्निक कौन सी सबमर्ज कल्चर ओके सबमर्ज कल्चर की वो टेक्निक को यूज करके अभी हम एमाइलेज जो एंजाइम है ओके okay, उसको डेवलप कर सकते हैं नेक्स्ट है अब उसकी एप्लीकेशंस इन फार्मेसी ऑल्सो इन वेरियस इंडस्ट्री की जब स्वीटनर्स हमें डेवलप करने हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर तो इसके एप्लीकेशन से रिमूवल ऑफ स्टार्च साइजिंग फ्रॉम वोवन क्लोथ की जब क्लोथ uh, बनाए जाते हैं तो उसके अंदर कई बार स्टार्च रह जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम अल्फा या बीटा या गैम किसी भी टाइप का यूज करेंगे फिर जब आपको लिक्विफेक्शन करना होता है स्टार्च पेस्ट का विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द हीटिंग स्टेप इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉर्न एंड चॉकलेट सिरप तो उसके लिए ये काफी जरूरी है एंड लास्ट में प्रोडक्शन ऑफ ए ब्रेड की जो बेकरी प्रोडक्ट्स होती है एज वेल एज फूड के जो स्पोर्ट है उसको रिमूव करने के लिए इन क्लीनिंग इंडस्ट्री की जब क्लोथ uh, होते है उनको ड्राईक्लीन जब हम करते हैं ओके ड्राईक्लीन तो ड्राईक्लीन के अंदर जो फूड के स्पोर्ट्स हम रिमूव कर देंगे डायरेक्टली बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ एंजाइम आज के लेक्चर में डिस्कस किए वो अच्छे से आपको जो है वो डिस्क्राइब करने हैं सो यही लेक्चर की जो पीपीटी है वो आपको मिल जाएंगे फार्मारोक्स की ऐप ऊपर फिर यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द एप वेम uh, uh, एंड आज का लेक्चर था उसकी पीपीटी एंड पी डी एफ दोनों आपको फार्मारोक्स की एप ऊपर मिल जाएंगे इन ए स्टडी मटेरियल पी डी एफ फाइल्स तो अभी डाउनलोड करिए फार्मारोक्स एंड्रॉइडल प्ले टू गेट दिस पीपीटी Also start your test series on our app Farmerox Android application on Google Play.